नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल वॉइस में। मैं हूं आपके साथ विद्यासागर। जी हां, आपके मुद्दे को जब हम मुहिम बना लेते हैं तो आवाज सदन तक पहुंचती है। प्रदेश में कागजों पर चल रहे ट्रामा सेंटर्स का मुद्दा नेशनल वॉइस ने 18 नवंबर को उठाया था और सूबे के स्वास्थ्य महकमे में मची अंधेरगर्दी का पर्दाफाश किया था, जिसमें सामने राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जिलों में बनाए गए ट्रामा सेंटर या तो कागजों में चल रहे थे और अगर काम जमीन पर उतरा तो किसी काम का नहीं रहा। जी हां, हमारी मुहिम को आज बड़ी कामयाबी मिली है तो आपके सरोकारों की बात भी सत्ता के साहूकारों तक पहुंची है। खबर दिखाए जाने के बाद सपा और कांग्रेस के सदस्यों ने आज इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया और नेशनल वॉइस चैनल की खबर का हवाला देते हुए सरकार से जवाब मांगा है। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, कांग्रेस विधानमंडल के नेता अजय कुमार ने मामले को उठाते हुए कहा कि मामला बेहद ही गंभीर है, सरकार इसकी जांच कराए। और लगातार हम इस खबर को लेकर मुहिम चला रहे थे, ऐसे में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, पहले ये सुनिए। इनमें जो स्टाफ को हमने शुरू कर दिया था पुरानी समाजवादी सरकार में, डॉक्टर्स की भर्ती, टेक्नीशियंस की भर्ती, और आइए आपको दिखाते हैं सरकारी दावे की हकीकत। जहां दबाव तो प्रदेश में 33 से ज्यादा ट्रामा सेंटर का किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में केवल 4 ही ट्रामा सेंटर ऐसे हैं जहां पर मरीजों के इलाज की व्यवस्था है। प्रदेश की पिछली 3 सरकारों ने कागजों में 33 से ज्यादा ट्रामा सेंटर बना डाले, लेकिन हकीकत में पूरे प्रदेश में 4 ही ऐसे सेंटर हैं जहां पर ट्रामा सेंटर की सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुछ ट्रामा सेंटर्स जो बने हुए थे, कुछ पिछली सरकार ने बनाए थे, वो नहीं चल पाए थे क्योंकि डॉक्टर की कमी थी। मैंने जैसे अभी बताया आपको, 7,500 डॉक्टर मुझे एक लेगेसी में मिले हैं जो कम हैं। आज मुझे सदन में, विधान परिषद में समय मिलता, उन लोग हाउस चलने देते तो खड़े होकर बताता कि आपने जो विरासत में दिया था 8 महीने के अंदर 6,000 डॉक्टर्स हम कैसे उपलब्ध करवा चुके हैं, वो उनको जानकारी देता। मैं उनको सुनना नहीं चाहते। अब डॉक्टर्स जो आ रहे हैं वो ट्रामा सेंटर जो बन गए हैं उनको सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था की जा रही है। सरकार कहती है कि डॉक्टर नहीं है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है। बीजेपी सरकार का आरोप है कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, तो मौजूदा सरकार को काम करने से किसने रोका। यूपी का आलम यह है कि यहाँ पर इमारतें बनी हैं, लेकिन अस्पतालों में उपकरण नहीं है। जी हाँ, 33 ट्रामा सेंटर जो कि कागजों में चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए, यानी कि जमीनी हकीकत जो है सो 4 ट्रामा सेंटर। आपने कभी सुना है कि रायबरेली में कोई ट्रामा सेंटर है? नहीं, तो आप सुनिए, सरकार की किताब में रायबरेली में ट्रामा सेंटर है, और न सिर्फ है बल्कि उसे 2005 में बना दिया गया था, लेकिन आज तक जमीन पर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि ट्रामा सेंटर के लिए खत लिख रहे हैं, इंतजार कीजिए। और हमारे साथ इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि ये मुद्दा अब बड़ा हो गया है, विधान भवन में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है, विपक्ष ने इस पर सवाल पूछा है, तो आज हम इस पर चर्चा भी करेंगे। दिलीप श्रीवास्तव जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और उम्मेद सिंह जी जो कि बसपा के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिलीप श्रीवास्तव जी, हम आपसे जानना चाहते हैं ट्रामा सेंटर को लेकर, आखिरकार जो गरीब जनता है उसे तरह तरह की बातें कही जाती है, कागजों पर दिखा दिया गया कि 33 ट्रामा सेंटर हैं जो कार्यरत हैं और प्रदेश की जनता आप वहां जाकर के इलाज करा सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो बिल्कुल इससे अलग है, यानी 33 और 4 में बहुत ही फर्क होता है, क्यों ऐसे किया जाता है? विद्यासागर जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको बधाई कि इस संवेदनशील मुद्दे को आप लोगों ने उठाया, और एक तरह से कहा जाए तो जिस समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, जिस प्रकार से कागजी कार्रवाई करते हुए ट्रामा सेंटर के संदर्भ में धन लूटने का काम हुआ, चाहे एनएचएम घोटाला हो या अन्य जो घोटाले हुए, स्वास्थ्य बीमार स्वास्थ्य सेवाएं तो राज्य वर्तमान योगी सरकार को विरासत में मिली है, आज इन्हीं सब चीज़ों का इलाज किया जा रहा है। रायबरेली में 2005 में जैसा आपके चैनल में दिखाया गया, ट्रामा सेंटर कागजी कार्रवाई में दिखाई गई,
उस समय संपर्क की सरकार थी, यहाँ राज्य में किसकी सरकार थी, सब जगह जानकारी है, सबको पता है। तो जिस तरह से लूटने का काम हुआ, आज उस बंदरबाट को खत्म किया जा रहा है। योगी सरकार इस मुद्दे पे अत्यंत गंभीर है, संवेदनशील है, और जो इस जो कागजी कार्रवाई हो रही थी उसको जमीनी हकीकत में बदलने का कार्य किया जा रहा है। जनता आपसे उम्मीद करती है, उम्मीद कीजिए। ये कहकर सिर्फ खारिज नहीं किया जा सकता है, यानी जो दिलीप श्रीवास्तव जी का कहना है कि ये समाजवादी पार्टी और बसपा की जो सरकार रही है उन्होंने इस तरह के जो विरासत हमको दिए हैं, हमारे उसमें कोई गलती नहीं है। नहीं नहीं, देखिए विद्यासागर जी, मैं तो सबसे पहले आप और आपके नेशनल चैनल को मैं बहुत ही नेशनल वाइज चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं कई वो देखा हूँ कि आप लोगों ने एक जनता के हक में एक अच्छी अच्छी चीज़ें उठाते हैं और उनके तक पहुँचाते हैं। ये देखिए, भाजपा के मित्र हमारे बड़े ही अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन चूंकि जो भाजपा कहेगी उसी के आधार पे ही उनको बोलना है और पार्टी के लिए बोलना भी चाहिए, अच्छी बात है। मैं ये कहता हूँ कि इन लोगों को आज 4 साल बीत गया इनकी सरकार बने सेंटर में, एक आए प्रधानमंत्री जी दुनिया भर के झूठ लेके आए, एक भी शब्दों पर, एक भी शब्द पर, एक भी चीज़ पर, एक भी पॉइंट पर खड़े नहीं उतरे। और आज भी चुनाव हुआ, कल भी चुनाव हुआ, तो केवल रोने के नाम पे उनको जनता ने बचा लिया, वरना कल भी ये खत्म थे, फिर भी इनकी 37 सीटें उठा के नीचे कर दिया। आज इनके घर पे इनको वो झटका लगा है, फिर भी इन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। जिस तरह से इन लोगों ने हर बात पे कहेंगे, चुनाव से पहले इन्होंने वादा किया कि देश की जनता को बताया, प्रदेश की जनता को लुभाया। आप इस मुद्दे में बोलिए ना, इधर अजय घोटाले में बताइए किस सरकार में हुआ था, आप मुद्दे में बताइए ना। मैंने बोलता हूं ना, बोलना बोलिए। तो आप मुद्दे में बताइए कि अजय घोटाला किसकी देन थी। आप इनसे बात करिएगा या आपको बुलाएंगे तो बोलिएगा, आप सुनिए, केवल आप जवाब दीजिएगा। इनको इन्होंने जब वोट लेना होता है तो ये लोग बड़े ईमानदार, बहुत ही अच्छे और जादू की छड़ी जैसे काम को और सारी चीज को कंट्रोल कर लेने की ये वादा करते हैं जनता से। यहाँ भी ये कहे थे कि मैं उत्तर प्रदेश को आते ही 100 घंटे के अंदर नहीं सब कुछ कर लूंगा। उमेश सिंह जी, ये ठीक है, इन्होंने वायदे किए थे, लेकिन आपको तो मौका मिला, आपकी भी सरकार रही। आज कहने का मतलब ये है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, आज भी हम इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? हमारी सरकार में आप स्पष्ट, आप पूरी तरह से उठा के पूरा जांच कर लीजिए, बसपा ऐसी सरकार थी, ऐसी सरकार हमारी बहुजन समाज पार्टी ने, हमारी बहन राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरह सरकार चलाया, पूरा देश ने सराहना करते हैं और आज भी लोगों को याद आ रहा है और पूरा प्रदेश अभी दिखा दिया निकाय चुनाव में। दिलीप जी, आज जो है, किसकी देन रही, अभी हम आरोप प्रत्यारोप को लेकर नहीं आए हैं, एक बहुत ही तो इनकी देन रही मुद्दे को लेकर आए हैं। एक मैं दिलीप जी आपसे जानना चाहता हूं, सही करने का काम योगी सरकार में। दिलीप श्रीवास्तव जी आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए अभी जो मुद्दा है वो बहुत ही संवेदनशील है, जनहित का ये मुद्दा है, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में जो 22 करोड़ जनता है वो योगी सरकार की तरफ पलके लगाए बैठे हैं और दिन ब दिन हालात बहुत ही खराब होते जा रहे हैं। अस्पताल में आप चले जाइए, सरकारी अस्पताल में कहीं भी ठीक से इलाज नहीं किया जाता है। और ट्रामा सेंटर को लेकर अगर इतना बड़ा खुलासा हुआ है तो इस पर सरकार को सही पक्ष रखना चाहिए और सरकार को इस पर इमिडिएटली कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि इसमें ज़्यादा और खींचना चाहिए या फिर उसे दिखाना चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं कि मोदी जी की भी लगभग 3 साल 3.5 साल होते जा रहे हैं लगभग सरकार के, जनता के लिए स्वास्थ्य को लेकर उद्घाटन कर देने से या कह देने से नहीं होता है। क्या आपने अभी तक कोई बड़ी पहल की ट्रामा सेंटर को लेकर? आपने एम्स का उद्घाटन किया, अभी गोरखपुर में सरकार बनने से पहले ही आपने किया था, लेकिन जो काम शुरू हुआ था वो काम कहाँ है? जमीनी हकीकत क्या है? जनता कब तक इंतजार करेगी? विद्यासागर जी, अगर जमीनी हकीकत देखें तो स्पष्ट रूप से सारी चीजें दिखेंगी। जो ट्रामा सेंटर कागजों पे दिखाया जा रहा था, अभी स्वास्थ्य मंत्री माननीय सिद्धार्थनाथ जी का बयान भी आया, उन्होंने बताया कि हमने किस तरह से डॉक्टरों की कमी को दूर किया, जो तकनीकी चीज़ें थी उनका हवाला देते हुए उन्होंने सारी चीज़ों को बताया। जो कागजों पे घोटाले चल रहे थे उसको रोकने का काम किया जा रहा है, ई टेंडरिंग की व्यवस्था है, जो धन आ रहा है जो निर्माण कार्य में लगाया जाएगा वो ई टेंडरिंग के द्वारा सही मानक के रूप से जो भी व्यक्ति पाएगा उसको सारी चीजों को देख तकनीकी बातों को। सवाल ये है ना कि आप शुरुआती दौर में ही कई वर्षों से दीमक लगी हुई चीजें थी, जो जंग लगी हुई चीजें थी उनको समाप्त करने का काम किया जा रहा है। बीआरडी जो मामला हुआ है, मैं विद्यासागर जी बहुत छोटा सा उदाहरण, 2005 में आपने ही दिखाया, वर्ष 2005 में रायबरेली में ट्रामा सेंटर कागज में दिखाया गया, अभी दिखाया जा रहा है वो क्रियाशील है। तो ये किस तरह का,
ये तो 2005 से चली आ रही चीजें हैं, अब इनको रोकने का काम, जो कागजी कार्रवाई, जो जो धन को लूटने का काम किया गया है कागजों पे, उसको समाप्त करने का काम योगी सरकार कर रही है। और मैं आपके चैनल को पुनः बधाई दे रहा हूं कि इस तरह के भ्रष्टाचारी चीजों को आपने उठाया है। नहीं, लगातार हम उठाते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच भी जो पिछली सरकार के लोग उसमें लिप्त हैं, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जो लिप्त लोग हैं उनको सजा भी मिलेगी। उमेश जी, और जो जमीनी हकीकत में ट्रामा सेंटर चलना चाहिए, जो रोगियों को लाभ मिलना चाहिए, जो आम उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो ट्रामा सेंटर सही रूप से स्थापित किए गए हैं, उसमें आम जन को लाभ मिले, उसके लिए योगी सरकार संकल्पित है और काम भी कर रही है। सागर साहब, मैं बड़ा धैर्य से बढ़ोत ही हमारी जो है, हम एक बहुत ही एक अनुशासित पार्टी के सिपाही हैं और अनुशासन में ही बात करते हैं। हम लोग झूठ, फुरा फरेब और दुनिया भर की जुमलेबाजी और झूठ से दूर रहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे साथी यही बता दें कि इन्होंने फिर अभी एक चीज़ कह दिया कि हमारे मंत्री जी ने उसके लिए व्यवस्था किया है। उन्होंने क्या किया यही बता दें आज। उसके बाद सारे तकनीकी चीजों का उल्लेख किया आपको, जो उन्होंने बोला पूछेंगे आपसे, और धैर्य रखिए। और उसके बाद जो है, आज इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया वहां पर दिखा दिया। इन्होंने गोरखपुर की व्यवस्था करके दिखा दिया। ये एचआरएम घोटाला बता रहे हैं, इनके कितने घोटाले हैं उसका कोई पता नहीं है। कि जितने घोटाले हैं, 4.5 साल मौका मिल गया, इसी घोटालों पे मोदी सरकार आई थी। आज तक घोटालों को खोल के सबको जेल भेजना चाहिए था। आज ये बताते कितने घोटाले हुए हैं। यहाँ जरूर छत्तीसगढ़ का घोटाला खुला इनके मुख्यमंत्री का। आज भाजपा के घोटालों का ले लो तो 3.5 लाख करोड़ का बर्बाद किया है देश का। वो घोटाला खुलेगा तो इनको ये कहाँ जाएंगे? नहीं, प्रधान मेरे कहने का मतलब ये है, एक मिनट उमेश जी देखिए, हर साल जो बजट दिए जाते हैं स्वास्थ्य को लेकर, ट्रामा सेंटर को लेकर, अस्पतालों को लेकर, वो बहुत ज्यादा बजट होते हैं, मतलब हजारों करोड़ के लगभग में बजट दिए जाते हैं हर साल। लेकिन वो पैसे जब आप किसी अस्पताल में पहुंचिए और अगर आपको इलाज कराना है, अगर आप गरीब हैं, तो वहाँ इलाज के नाम पर वहाँ पर सारी मशीनें धूल फांकती हुई नजर आती है या फिर मशीन गायब होती है। आखिरकार पैसे दे देने से तो काम नहीं चलेगा ना, ये पैसे कहाँ खर्च होते हैं? दिलीप श्रीवास्तव जी, बिल्कुल, ये अब ये देखिए, अभी हम जो 33 ट्रामा सेंटर दिखा रहे हैं आपको, उसके पैसे खर्च हो चुके हैं। बहुत जगह ऐसे हैं जहां पर बन के तैयार हैं, कागजों में चल रहे हैं, लेकिन वो पैसे कैसे खर्च हुए, कहां गए, किसी को नहीं पता है। ये कब तक चलेगा दिलीप सागर जी? यही एक बड़ा मुद्दा है कि वो पैसे कहां खर्च हुए, किस मद में खर्च हुए। अगर ई टेंडरिंग की व्यवस्था होती तो ईमानदारी और पारदर्शिता से ये पता लग जाता कि कहां पे किस मद में किस चीज में खर्च किया गया, क्या कागजी कार्रवाई की गई। अगर मैंने रायबरेली का उदाहरण दिया, अन्य जिलों का भी आप देख लीजिए, किस सन में किसकी सरकार रही और कैसे धन का आवंटन हुआ। राज्य की सरकार को धन आवंटित किया केंद्र सरकार ने, तो राज उस समय की जो सरकारें थी, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही या बसपा की सरकार रही, तो उसने किस तरह से उसको खर्च किया। एक उदाहरण मैंने दिया, नरेचम घोटाला हो, सीएमओ हत्याकांड हो, ये सारी चीजें इसी बंदरबाट की स्वास्थ्य बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की देन रही, जो अभी मद में जो जिस तरह से खर्च किया। दिलीप जी, नहीं नहीं, अब हम ये चाहते हैं ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ जो योगी सरकार इन्हीं मुद्दों पे, इन्हीं चीजों पे लगाम कसने के लिए काम कर रही है। और जो बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं जो बसपा की सरकार ने की, और जो लूटने का काम किया बसपा की सरकार ने और समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया, उन सारी चीजों पे अंकुश लगाने के लिए कि आगे से ऐसी व्यवस्थाएं ना हो। और जो ट्रामा सेंटर के लिए वास्तविक रूप से धन का आवंटन किया जा रहा है, जो आम आदमी को उसका लाभ मिलना चाहिए, जिस उद्देश्य से उसकी स्थापना की गई हो, वो कागजी कार्रवाई में ना हो, उसको जीवंत रूप में किया जाए, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। और जो तकनीकी चीजों का उल्लेख किया है स्वास्थ्य मंत्री जी ने, उसको भी दूर करने के लिए वो काम कर रहे हैं जी। लेकिन उमेश सिंह जी, ये आरोप प्रत्यारोप हम लोग कब तक लगाते रहेंगे? हमें तो एक्शन चाहिए, अब एक्शन, क्योंकि जनता को काम चाहिए। बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ी विडंबना है। जो भी सरकार आती है वो केवल काम करने के बजाय केवल पीछे जो है सरकारों पे आरोप प्रत्यारोप। अरे आप आए हो, आपको जनता ने आपको उनको नकारा है, आपको स्वीकारा है, तो आप उसको कुछ करके दिखाओ। इन लोगों को 4.5 साल बीत गया है, झूठ के पुलिंदों पे चलते चलते समय बीता, बताते हैं 22 का सपना दिखाते हैं। इसी तरह से आज यहाँ पे मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री जी योगी जी का 10 महीना बीत रहा है, 100 घंटे में सब कुछ उजागर कर देने के लिए, पूरे देश को जो है लॉ ऑर्डर, अच्छा लॉ ऑर्डर देने के वादा करके सब कुछ कहा, और आज सब चीज़ पे निकल जाए। अब ये 85,000 करोड़ रुपए का पता नहीं चला कहाँ गायब कर दिए, गड्ढा मुक्त बता दिए। इन लोगों का झूठ के सिवा कुछ नहीं। अगर वाकई में आज हर पार्टी, हम भी राजनीतिक पार्टी हैं, बसपा से, मैं हर पार्टी को कहता हूँ
कि पार्टियों का, राजनीतिज्ञों का आज विश्वास जनता से खत्म होता जा रहा है। ये लोग अगर यही रोप आरोप प्रत्यारोप कि विकास का नाम लेना नहीं चाहते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, केवल दूसरे, आज ही बताइए ये बस भाजपा का मुझे हंसी आती है कि हर शब्द में पिछली बसपा और सपा सरकार। अरे बसपा और सपा तो पीछे भी कह दो कि भाजपा सरकार, उससे पहले भाजपा सरकार रही, फिर बसपा आई और सपा आई, क्यों ऐसा कहते हो? आप अपने काम को दिखाइए। बहुजन समाज पार्टी आई थी, चाहे कुछ अच्छा हुआ गलत हुआ, पूरा दुनिया सराहती है कि लाइन ऑर्डर किस तरह का था, आज जो है किस तरह का जो है काम हुआ पूरे लखनऊ के, उसको उसी 5 साल में उनको भी समय मिला, पैसा लेके कहीं बाहर से नहीं आई, उन्होंने भी यही कह सकती थी पिछली सरकार सब खा गई है, तो लेकिन काम करके दिखाया। देखिए काम करेगा उसके ऊपर आरोप भी लगेंगे। उमेर सिंह जी, उमेर सिंह जी, देखिए सरकार किसी की भी बनती है जी जी। तो जैसे कि सभी राजनीतिक दल सभी लोग ये कहते हैं, जब आपको बहुमत मिलता है, जब आपको सत्ता मिल जाती है तो ये होता, ये कहा जाता है कि हमें सेवा के लिए मिला है, लेकिन उसके बाद वहाँ खेल कुछ अलग हो जाता है। मैं यही जानना चाहता हूँ ट्रामा सेंटर को लेकर। देखिए ट्रामा सेंटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण है हर किसी के लिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, क्योंकि वहाँ पर इलाज किया जाता है। और हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर किसी का भी बुरा हाल है तो वो है स्वास्थ्य सेवाओं का, जबकि गवर्नमेंट बार बार ये कहती है कि हमें बजट के नाम पर हम पैसे दे देते हैं, तो आखिरकार वो पैसे कहां खर्च हो जाता है वो हम जानेंगे प्रोफेसर सूर्यकांत जी, जो कि हमारे साथ बहुत ही जल्द वो जुड़ जाएंगे। लेकिन प्रोफेसर सूर्यकांत, अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम लोग चर्चा कर रहे हैं ट्रामा सेंटर को लेकर, लगातार नेशनल वॉइस पर इस खबर को दिखाने के बाद विधान भवन तक यह मुद्दा उठा है और विपक्ष ने सत्ता पक्ष से इस पर जवाब मांगा है। 33 ट्रामा सेंटर पेपरों में दिखाए जा रहे हैं और चलने के लिए जमीनी हकीकत सिर्फ 4 के हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसे कैसे हो जाता है, पेपर पे कुछ और दिखाने के लिए कुछ और। हाँ बिल्कुल सही आपने मुद्दा उठाया है जी। मैं समझता हूँ कि देखिए हमारे देश में लगभग 5 लाख ट्रामा के केसेस पर ईयर होते हैं, उसमें से 1.5 लाख लोगों की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तो ये एक ऐसा इशू है जो हार्ट अटैक, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या स्वास्थ्य के कैंसर या स्वास्थ्य के और भी हम मुद्दे देख लें, उन सबसे ज़्यादा एक गंभीर मुद्दा है। इसकी मॉर्टलिटी बहुत ज़्यादा है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, ये रिकमेंडेशन है कि लगभग हर जिले में एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जैसे 75 जिले हैं, तो आइडियल सिचुएशन ये है कि 75 ट्रॉमा सेंटर हमारे देश में होने चाहिए। दूसरा ये है कि जितने हाईवेज हैं, जितने मेन स्टेट हाईवेज हों, चाहे वो नेशनल हाईवेज हों, उन पर भी बीच बीच में ट्रॉमा सेंटर बने होने चाहिए। और हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग यहाँ भी 1 लाख ट्रॉमा के केसेस पर ईयर हो रहे हैं। अब ट्रॉमा सेंटर, ये एक प्रशासन, ये बड़ा चिंता का विषय है। आप जैसा कह रहे हैं कि 33 ट्रॉमा सेंटर बने हुए हैं जी, और लेकिन जमीनी हालात पर 3-4 सेंटर केवल काम कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव हो पाया है, इनका बजट कहाँ गया, इस तो वास्तव में शोध का विषय भी है और जाँच का विषय भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे जो अहम मुद्दा है हमारे देश में स्वास्थ्य का, वो ये है कि स्वास्थ्य का बजट हमारे देश में 1-1.5% रहता है जीडीपी का। किसी भी विकसित देश में आप देख लीजिए जीडीपी का बजट मिनिमम 6-7% है जी। तो अगर हम 1-2% या 1% के आसपास जीडीपी के रखेंगे अगर हम स्वास्थ्य के बजट को, तो कैसे हम देशवासियों को स्वास्थ्य दे पाएंगे या प्रदेशवासियों को कैसे हम स्वास्थ्य दे पाएंगे, और कैसे हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम ठीक तरह से चला पाएंगे। तो ये बात सही है आपकी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और मैन पावर के मामले में, अगर हम डॉक्टरों की ही बात ले लें तो हमारे देश में जो डॉक्टर और पॉपुलेशन का रेशियो है जी, वो रेशियो ही एक डॉक्टर जो है वो 2000 करीब पॉपुलेशन पर है, जो कि बहुत कम डॉक्टर है। शहर में तो थोड़ा सा ठीक भी है, आप अगर ग्रामीण इलाके में चले जाते हैं तो वहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आता, यानी न तो डॉक्टर्स मिलते हैं न हॉस्पिटल जो बने भी हैं सरकार की तरफ से, अगर बना भी दिया गया है छोटे मोटे हॉस्पिटल, तो उसमें डॉक्टर नदारद होते हैं। अब सवाल यह है कि ट्रामा सेंटर को लेकर, देखिए ये स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, और एक बेहतर प्रयास भी होते हैं, लेकिन अब तक हम लोग प्रयास ही करते रह गए, सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी वहां पर एक बड़ा सा भ्रष्टाचार भी देखने को मिलता है। एक तो बजट बहुत कम है, जैसे कि आपने कहा 1-1.5% 2% बजट होता है, और उसमें भी अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो जाए तो फिर आम जनता कहां पर जाएगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि 33 में से अगर 4 ही काम कर रहा है, बाकी जो ट्रामा सेंटर है पैसे तो खर्च हो गए लेकिन ट्रामा सेंटर नहीं चल रहे हैं, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं देखिए, इसमें मुझे तो लगता है कि भाई दोनों सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि देखिए जो भारत सरकार पैसा भेजती है उसकी मॉनिटरिंग का भी एक सिस्टम होता है,
तो इसमें देखना पड़ेगा कि कितना भारत सरकार ने पैसा भेजा, कितना स्वास्थ्य राज्य स्वास्थ्य सरकार का पैसा था, नेशनल हेल्थ मिशन का था या किसका था, और उसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम है जी, सीएजी रिपोर्ट आती है बाकायदा उसकी, तो जब सीएजी की रिपोर्ट उसकी जांची जानी चाहिए और जो भारत सरकार की मॉनिटरिंग बॉडी है उसकी भी जांच होनी चाहिए कि भारत सरकार पैसा अगला किश्त रिलीज तब तक करती ही नहीं है जब तक वो ये संतुष्ट नहीं हो जाती है कि पिछली दी हुई किश्त में ये कार्य कराया गया। तो ये फिर जो 33 जो पेपर पर दिखाए जा रहे हैं, क्या ये फर्जी है, ये कैसे हुआ? अब ये तो जिम्मेदार अधिकारी बता सकते हैं कि मैं इस पे क्या कमेंट जी। मैं डॉक्टर सूर्यकांत जी जो कि काफ़ी देर से पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में, इसलिए हम आपसे अधिक से अधिक जानना चाहते हैं क्योंकि आप टेक्निकल चीज़ को जानते हैं, आप डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जो आम आदमी है, जो गरीब है, जो बिल्कुल सरकारी अस्पताल पर ही डिपेंड करता है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके लिए सरकार ने बहुत सारे दावे भी किए हैं, वायदे भी किए हैं, लेकिन जब वो अस्पताल पहुँचते हैं, ट्रामा सेंटर पहुँचते हैं, तो वहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएँ हैं वो नहीं नज़र आती है, ये क्यों ऐसा हो जाता है? देखिए, वैसे तो सरकार ने एक नियम बनाया हुआ है कि ट्रॉमा में या इमरजेंसी में कोई पेशेंट जाएगा तो पहले 24 घंटे की जो दवा है या जो भी रिक्वायरमेंट उसका है वो फ्री मिलेगा। लेकिन ये कितने स्थानों पर लागू हो रहा है कि नहीं, जैसे मैं तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को बिलोंग करता हूँ, हमारे KGMU में तो है कि पहले 24 घंटे के अंदर अगर पेशेंट के पास पैसा नहीं है तो KGMU की तरफ से ये व्यवस्था की जाती है, हमारे ट्रॉमा सेंटर में होता है। लेकिन आपकी बात सही है कि कितने सेंटर में ये व्यवस्था चालू की जा रही है या सुदृढ़ हो पा रही है या इसको फॉलो किया जा रहा है, ये वास्तव में पता नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से नियम तो है कि फर्स्ट 24 आवर्स, क्योंकि जो गोल्डन आवर होता है वो पहले घंटे का होता है और गोल्डन डेज होते हैं, ये नियम है, पहले 24 घंटे का जी। डॉक्टर सूर्यकांत, नियम है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की भी तो जिम्मेदारी बनती है, वो भी तो एक रूल रेगुलेशन के तहत इस तरह से कुछ बंदिश बनाए जी। बस एक 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 लाइन में हम जवाब चाहेंगे आपका। नहीं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से पूरी तरह से ये है कि ट्रॉमा या इमरजेंसी में हर डॉक्टर को हिदायत है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कि देखिए, कोई भी पैथी हो, चाहे वो एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो, अगर आपके अंदर सिंपैथी नहीं है तो आप किसी पैथी के डॉक्टर हो, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सिंपैथी बहुत जरूरी है, संवेदना बहुत जरूरी है और तभी आम जनता का भला हो सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप श्रीवास्तव जी हमारे स्टूडियो में आए, उमेश सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और प्रोफेसर सूर्यकांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। निश्चित तौर पर तो ये जनहित के मुद्दे हैं और हम इस तरह के मुद्दे उठाते रहेंगे क्योंकि आम जनता को सरोकार है स्वास्थ्य से, उनकी गरीबी से, और इस गरीबी से कैसे निजात दिलाया जाए, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य लाभ कैसे हो, इसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे, आगे भी आवाज़ उठाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही।